बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार बदमाश से CAA के बवाल के दौरान इंस्पेक्टर से लूटी गई सरकारी पिस्टल बरामद। मुठभेड़ के दौरान सरकारी पिस्टल से ही पुलिस टीम पर की गई फायरिंग। जनपद संभल के नखासा थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश से CAA बवाल के दौरान इंस्पेक्टर से लूटी गई सरकारी पिस्टल बरामद की है, जो कि 20 दिसंबर को संभल में CAA के विरोध में उपद्रव के दौरान इंस्पेक्टर से मारपीट कर लूटी गई थी। दरअसल गुरुवार सुबह को दिन निकलते संभल जोया मार्ग पर बाईपास रोड पर पुलिस गश्त के दौरान बाइक सवार युवक ने पुलिस को देखकर भागने पर शक होने के बाद पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाश को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई तो इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और घायल होकर मौके पर ही गिर गया। वहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। पुलिस ने आनंद फानंद में बदमाश को घायल हालत में गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी तो एडिशनल SP आलोक जायसवाल और CO आधा दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायल हालत में गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से सरकारी 9mm पिस्टल बरामद की, जो कि 20 दिसंबर को संभल में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव के दौरान इंस्पेक्टर सतीश आर्य से नखासा इलाके में ही लूटी गई थी, जिसको आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश से बरामद किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि आज जब संभल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो बदमाश ने सरकारी पिस्टल से ही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद घेराबंदी कर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल घायल बदमाश और घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे एडिशनल SP आलोक कुमार जायसवाल का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश नसीम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नखासा इलाके का रहने वाला है। इसके पास से एक सरकारी पिस्टल बरामद हुई है, जो कि संभल में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव के दौरान इंस्पेक्टर से छीनी गई थी, उसको बरामद किया गया है। इसी के साथ बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस दौरान बदमाश को गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेड़ के दौरान बरामद की हुई है, क्या मामला है पूरा? ये आज सुबह जो है नखासा पुलिस से मंडावली बाईपास से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल हुआ, एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ। जो है घायल बदमाश का नाम जो है नसीम सनाफ समीम है, जो नखासा चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से जो है एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल सरकारी पिस्टल है, जो इसका मिलान किया गया तो ये जो CA NRC 17-20 दिसंबर को यहाँ पे हुआ था, उसमें पुलिस से छीनी हुई पिस्टल है जो बरामद हुई है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर मौके से क्या क्या बरामद हुआ? एक पिस्टल सरकारी है, जिसका मिलान किया गया तो CA NRC उपद्रव के दौरान जो पुलिस से छीनी गई पिस्टल थी वो बरामद हुई। सर क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए? हाँ, एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, कांस्टेबल हमारा जो है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक।